दोस्तों, आप आपके स्मार्टफोन पे सबसे ज्यादा क्या करते हो? जी हाँ, बहुत सारे लोग फोटोज निकालते हैं, बाकी सब चीजें तो करते हैं, सोशल मीडिया एक्सेस करते हैं, वीडियोस देखते हैं, बट बहुत सारे फोटोज निकालना, उन फोटोज को एडिट करना, ये बहुत ज्यादा होता है। एंड एडिट इनबिल्ट भी होते हैं सभी स्मार्टफोन्स के अंदर, उनका जो गैलरी ऐप होता है उसमें भी एडिट होते हैं, लेकिन पूरे फंक्शंस नहीं होते हैं। एंड देयर आर लॉट ऑफ थर्ड पार्टी ऐप्स, बहुत अच्छे ऐप्स, फोटो एडिटिंग ऐप्स जो आप यूज कर सकते हो आपके फोटोज को चार चांद लगाने के लिए। देयर आर ऑलरेडी लॉट ऑफ देम। जी हाँ, अगर स्टैंडर्ड में आपको बोलूं तो स्नैपसीड है, फोटोर है, पिक्स आर्ट है, ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड बहुत सालों से इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन अब दोस्तों बहुत सारे नए फोटो एडिटिंग ऐप आए हैं जिसमें इतने अलग अलग और इतने अच्छे अच्छे फिल्टर्स हैं दैट यू आर गोइंग टू बी सरप्राइज। और ऐसे ही कुछ 5-6 ऐप्स आज आपको बोलने वाला हूँ इस वीडियो में। लेकिन बोलने से पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। पहला जो है दोस्तों ऐप, वो है फोटो एडिटर प्रो। सिंपल नाम है, फोटो एडिटर प्रो। जी हाँ, बट एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये 12 MB का ऐप है, लाइट वेट ऐप है, एंड इनशॉट नाम की कंपनी का है, उन्होंने ये प्रोड्यूस किया हुआ है। दे कम अप विथ वेरी गुड ऐप्स, और फोटो एडिटर प्रो भी वैसे ही है, सबसे अच्छे तो हंड्रेड्स ऑफ फिल्टर्स हैं दोस्तों इसमें। डबल एक्सपोजर वगैरह आप कर सकते हो, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। जी हाँ, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारी जगह पे बैकग्राउंड जो होते हैं वो आपको निकालना होता है, कुछ अच्छी चीज नहीं होती है, तो यू कैन रिमूव इट एंड रिप्लेस इट, ये सब आप कर सकते हो। एंड कोलाज मेकर है इसके अंदर, मैंने तो कहा आपको, फिल्टर्स अगर आप देखोगे यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। और हां दोस्तों, देयर इज अ बॉडी एडिटर फंक्शन, इसका मतलब आपको पतला करना है, आपके चेहरे को पतला करना है, ये सब चीजें भी आप आराम से कर पाओगे। और एक बात, सोशल मीडिया पे आपको डालने के लिए टेक्स्ट वगैरह लगता है, तो एक फोटो खींच लिया उसके ऊपर आपका कोड डालना है या फिर कुछ टेक्स्ट डालना है, वो भी आप इसके साथ कर पाओगे, बहुत सारे अलग अलग टेक्स्ट है। तो फोटो एडिटर प्रो इज वन रियली नाइस ऐप, जो ज़्यादा पुराना तो नहीं है, ज़्यादा नया भी नहीं है, लेकिन जितना मैंने इस्तेमाल किया मुझे अच्छा लगा। वैसे जो भी फोटो एडिटिंग ऐप्स मैं आपको बता रहा हूँ सभी के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। दोस्तों ये जो अगला ऐप है ये भी मुझे बहुत पसंद आया, एंड ये नॉर्मल नहीं है फोटो एडिटिंग ऐप, एनलाइट पिक्सल लूप इसका नाम है, एनलाइट पिक्सल लूप। और वो क्या करता है, इसेंशली आपके जो फोटोज हैं उसमें जान डाल देता है। आप इस एडिटर के साथ बहुत सारे एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हो। लेट से आपने एक फोटो निकाला, पीछे स्काई का बैकग्राउंड है या फिर पीछे वाटरफॉल वगैरह, और आपने फोटो निकाला, तो आप क्या कर पाओगे, यस, आपको स्टेशनरी रख के पीछे का जो वाटरफॉल है वो मूविंग कर पाओगे। इसीलिए मैंने कहा आपके फोटोज में एक्चुअल में ये जान डाल देता है। और इसमें ओवरलेज वगैरह है, इसका मतलब कुछ इफेक्ट डालना है, आपने आपका फोटो खींचा या फिर और खींचा और ऊपर से आपको कुछ और भी डालना है, सनरेज डालने हैं, लीव्स वगैरह ऊपर से डालने हैं, ये सब आप इसमें कर पाओगे। इसका मतलब इसेंशली आपके जो फोटोज है बहुत ज्यादा एडिट कर पाओगे, बहुत सारे एलिमेंट्स उसमें डाल पाओगे पिक्सल लूप इस एडिटर की वजह से। ओवरऑल इसका एक अलग, मैंने जैसे बताया, मेन जो है आप एनिमेशंस कर पाओगे, अलग अलग फोटोज में पीछे का बैकग्राउंड हिला पाओगे, तो ये इसका हाईलाइट है। अगर ऐसे कुछ फोटो एडिटिंग ऐप आपको चाहिए तो जरूर आप पिक्सल लूप के पास देखिए। दोस्तों याद रखिए, हजारों फोटो एडिटिंग ऐप्स हैं, लेकिन मैं जब आपको बता रहा हूं तो बहुत रिसर्च करके, बहुत सारे ऐप्स देख के उसके बाद में बता रहा हूं, ताकि अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। किसी को जैसे मैंने बताया कि बैकग्राउंड जो है वो एनिमेट करना होता है, किसी को अपना जो फोटो है वो अच्छा दिखाना होता है, किसी को लाइन ड्राइंग चाहिए होती है, कॉमिक्स के जैसे उनका फोटो चाहिए होता है, तो ये पॉसिबल है कॉमिका के साथ। यस, जैसे नाम है दोस्तों, कॉमिका बेसिकली कॉमिक्स एंड कार्टून मेकर है। इसका मतलब अगर आपने एक फोटो खींचा उसको कॉमिक एक कैरेक्टर के जैसे आपको बनाना है तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। और बहुत सारे अलग अलग कॉमिक फिल्टर्स हैं, इसका मतलब आपको लाइन ड्राइंग चाहिए ब्लैक एंड वाइट, वो कर पाओगे, या फिर जैसे कॉमिक्स में कलरफुल एनिमेशंस वगैरह, एनिमेशंस तो नहीं लेकिन फोटोज होते हैं, आप जब कॉमिक्स पढ़ते हो उस टाइप का कुछ चाहिए तो वो भी कर पाओगे। ओवरऑल दोस्तों ये कॉमिका है। अगर आपको कार्टून कैरेक्टर्स वगैरह जैसे आपके फोटोज चाहिए, दोस्तों आपको आपका डीपी चाहिए सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे, और जो कॉमिक के जैसा दिखना चाहिए या अलग से दिखना चाहिए, फोटो के जैसे नहीं दिखना चाहिए,
तो आप इस फोटो एडिटिंग ऐप का डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हो। आई हैव लाइक्ड इट, मतलब बहुत सारे अलग अलग कॉमिक शेप्स एंड साइजेस हैं जो आपके फोटो को कन्वर्ट कर पाओगे, और उतना ही नहीं ज़्यादा कम उसके अंदर एडिटिंग ये भी आप कर पाओगे। सो ट्राई कॉमिका, जैसे मैंने बताया लिंक सभी के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। दोस्तों अगला जो है फोटो एडिटिंग ऐप, उसका नाम है आफ्टर लाइट। इसेंशली वंस अगेन मैं कहूँगा ये जो है ये एक यूनिवर्सल फोटो एडिटिंग ऐप है। आप अगर नेचर के वगैरह फोटोज बहुत ज़्यादा खींचते हो, लाइट का लाइट को आपको एडिट करना है, कम ज़्यादा करना है, मैनिपुलेट करना है, अच्छे आपको फोटोज दिखने चाहिए नेचर के, फ्लावर्स के वगैरह, देन आफ्टर लाइट इज एक्सीलेंट। इसमें आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट टूल्स मिलते हैं, मतलब आपका जो फोटो है उसको ही आप एडजस्ट कर पाओगे, उसका कलर्स, उसका वाइब्रेंसी, सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट, ये सब चीज़ों के लिए आफ्टर लाइट इज एक्सेलेंट। उतना ही नहीं उसके ऊपर टेक्सचर्स भी हैं, अलग अलग टेक्सचर आप डाल सकोगे, जो समझिए आपको एक पुराना अभी फोटो निकाला हुआ है लेकिन ऐसे दिखाना है कि बहुत पुराना फोटोज है, तो ऐसे अलग अलग टेक्सचर्स भी हैं, एंड ओवरऑल फिल्टर्स भी बहुत सारे हैं। तो जैसे मैंने बताया आपके एग्जिस्टिंग फोटोज को अगर अच्छा करना है तो आफ्टर लाइट यू आर गोइंग टू लाइक इट। एंड फाइनली ये भी मुझे अच्छा लगा, टूल विज फोटोज इस ऐप का नाम है, एंड ओवरऑल वंस अगेन इट इज अ कंप्लीट प्रोफेशनल एडिटिंग ऐप। इतने सारी चीज़ें आप कर पाओगे पूछिए मत। इसमें कुछ 40 प्लस स्टाइल फिल्टर्स हैं, ग्लैमर ग्लो, लैंडस्केप, ग्रेनी फिल्म, लोमो, ऐसे अलग अलग टाइप के जो फील होता है आपके फोटोज़ को इसके साथ आप दे पाओगे। उतना ही नहीं दोस्तों, आपको अगर बैकग्राउंड कम्प्लीटली हटाना है, जी हाँ, जैसे पहले वाले ऐप में मैंने बताया था, वो भी आप कर पाओगे। पीछे अगर आपको बोके इफेक्ट लाना है, आउट ऑफ फोकस करना है, ये सब चीज़ें बहुत ईजीली आप इसमें कर पाओगे। और हाँ, बहुत सारे फिल्टर्स हैं, डबल एक्सपोजर, मिरर लाइट इफेक्ट वगैरह आपको देना है, ये सब चीजें कर पाओगे। हाथ से आपको ड्राइंग करनी है वो भी कर पाओगे, डूडलिंग जिसे कहते हैं, फोटो आपने निकाला उसके ऊपर कुछ आपको हाथ से निकालना है, वो ब्रश, अलग अलग ब्रशेस के इस्तेमाल से, तो आप कर पाओगे। याद रखिए दिस ऑल्सो टूल विज इज अ गुड फोटो एडिटर। अब आपको देखना है कि वॉट इज योर रिक्वायरमेंट, और उस हिसाब से आप डाउनलोड कीजिए जो फोटो एडिटिंग ऐप आपको चाहिए। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, अगर एक यूनिवर्सल चाहिए तो स्नैपसीड, पिक्सआर्ट वगैरह, ये तो है ही, दे हैव बीन यूज्ड बाय मिलियंस ऑफ पीपल, वो तो है ही। लेकिन मुझे कुछ यूनिक और अच्छे अलग नए ऐप्स आपको बताने थे, और इसीलिए ये वीडियो। तो दोस्तों कैसे लगा ये वीडियो, अच्छा लगा? जी हाँ, आपके फोटोज को जरा चार चांद लगाने के लिए मैंने कुछ 5-6 आपको फोटो एडिटिंग ऐप्स बताए। अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग।